सो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ न्यू पेट एंड न्यू चूप के बारे में। क्या आखिर यार कौन सा न्यू चूप हमारे गेम के अंदर आने वाला है एंड साथ साथ वो कौन सा न्यू पेट है जो कि गैजेट टाउन हॉल 16 पे हमें मिलने वाला है एंड कितने चूप मिलेंगे एंड कितने पेट्स मिलेंगे वो भी बताऊंगा। सो वीडियो में इंटक बने रहना, आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे टाउन हॉल 16 से रिलेटेड एंड और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों को आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को नया इन्फॉर्मेशन तो जरूर से मिलेगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक यार टाउन हॉल 16 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखो एंड साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन एंड टाइम रिडक्शन भी हुआ है वो भी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड है तो जाकर जरूर से देखना, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप लोगों को पता है कि क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यार वो कौन सा न्यू पेट है जो कि यार गेम में आने वाला है एंड कितने पेट्स आएंगे। बल्कि उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉस्ट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं जो कि यार टाउन हॉल 16 के साथ साथ आने वाला है। सबसे पहला गाइस, आप लोग अब अपने खुद के बेस पे अटैक कर पाओगे, मतलब जब आप फ्रेंडली चैलेंज करोगे तो आप लोग अपने बेस के ऊपर ही फ्रेंडली चैलेंज कर सकते हो। यस गाइस, ये भी अपडेट आने वाला है एंड साथ ही साथ गाइस जो हीरोज है उनकी न्यू एबिलिटी आई है गेम के अंदर वो भी गाइज हमें देखने को मिलेगा एंड इसका इमेज यार मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पे पोस्ट कर रखा है, सो आप लोग जाकर देख लेना। एंड अभी वीडियोस के अंदर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि जो हीरोज है ना उनका कुछ न्यू एबिलिटी आने वाला है। अब ये एबिलिटी कैसे वर्क करेगा वो आप लोग थोड़ा सा फोटोज के वगैरह जो मैं दिखा रहा हूँ उससे आप लोग समझ सकते हो, बाकी गाइज यार डिटेल वीडियो के लिए चैनल पे बने रहो, वीडियोस आ जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि यार कौन सा पेट आने वाला है। सबसे पहला पेट गाइस जो कि हमें अपने वॉर जो नॉर्मल सीनरी होता है उसके अंदर देखने को मिल रहा है, जो न्यू क्रिएचर हमें देखने को मिला था ब्लू कलर का, वो सबसे पहला पेट है जो कि यार हमारे इस टाउन हॉल सेक्शन में आने वाला है। एंड साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल 4 पेट्स होने वाले हैं जो कि यार हमें देखने को मिल जाएगा। दूसरा पेट एंड बाकी जो और पेट्स हैं उनका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जो पहला पेट है ना वो यही होने वाला है जो क्रिएचर है ब्लू कलर का। बाकी गाइज हमें उसके साथ साथ 3 पेट्स और मिलेंगे जो कि गाइज हमें टर्टल जैसा लग रहा है कि यार टर्टल आ सकता है, उसके साथ साथ 2 पेट्स और मिलेंगे, मतलब टोटल 4 पेट्स हमें टाउन हॉल सेक्शन पे मिलने वाला है। अभी बात करते हैं गाइज हम लोग न्यू ट्रूप के बारे में, बट उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जब आप अपने टाउन हॉल सेक्शन पे क्लिक करोगे, लेकिन हाँ जो टाउन हॉल सेक्शन है ना वो 1 स्टार है, मतलब जो हमारा टाउन हॉल 14 एंड 15 जो 12 से चला आ रहा था कि 5 स्टार होता था, अब 5 स्टार नहीं होने वाला है, 10 11 की तरह वो सिंगल 1 स्टार ही होने वाला है। ये भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया। एंड और बचा है हमारे पास इन्फॉर्मेशन कि हाँ टाउन हॉल सेक्शन पे हमें 2 न्यू डिफेंसेस देखने को मिलेंगे जिसका इमेज भी आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। एंड और मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि और भी कुछ आने वाला है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएंगे वीडियोस बना दूंगा एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है गाइस यार कितना बताता रहूं। अभी हम लोग न्यू ट्रूप के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये रहा हमारा न्यू बैरक्स जिसका लेवल अप आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, सभी क्रिएटर ने आपको दिखाया बट न्यू ट्रूप को नहीं दिखाया। मैं आपको बताऊंगा कि यार वो ट्रूप कौन सा होने वाला है। ये जो ट्रूप का बैरक्स आप लोग देख रहे हो ना ये है रेड कलर और इसके ऊपर एक यहाँ पर ब्रांचेस निकले हुए हैं, मतलब सिंगल ब्रांच है, ब्रांचेस नहीं है, एक सिंगल ब्रांच निकला हुआ है। यहाँ से हमें यार हिंट मिल रहा है कि जो न्यू ट्रूप होने वाला है वो रेड कलर का होगा एंड जब वो अटैक करेगा तो वो ब्रांच से अटैक करने वाला है, क्योंकि गाइज आप सभी देखोगे तो जितने भी बैरक्स होते हैं उनके ऊपर उनका जो अटैकिंग स्टाइल होता है जो जिस चीज़ से वो अटैक करते हैं उनका यार साफ उस बैरक्स के ऊपर दिखा दिया जाता है। जैसे कि आप लोग हिंट के लिए इलेक्ट्रो टाइटन का भी एग्जांपल ले सकते हो, उसके बैरक्स बिल्कुल सेम है, वो हाथ से अटैक करता है एंड ऊपर में हाथ बना हुआ है। तो देखो ये जो न्यू ट्रूप होने वाला है ना वो रेड कलर का होगा एंड ग्रीन कलर का मिक्सअप में होगा एंड वो जो ट्रूप है ना वो टर्टल के ऊपर चलेगा, मतलब वो ग्राउंड पे ही चलेगा बट उसका एक सवारी है, लाइक हॉग राइडर का यहाँ पर पिक सवारी है उसी तरीके से इस न्यू ट्रूप का सवारी होने वाला है हमारा टर्टल। उस टर्टल के ऊपर वो बैठा रहेगा एंड फिर वो कुछ अटैक करेगा। अगर आप लोगों के यार इमेज देखना है जाओ डिस्कॉर्ड सर्वर पर, क्योंकि अभी न्यू ट्रूप का इमेज मैं आपको नहीं दिखा सकता। अभी मैंने आपको एक हिंट दिया है उससे आप लोग इमेजिन कर लो कि न्यू ट्रूप कैसा होने वाला है। सिंगल ही ट्रूप आने वाला है एंड ये एलिक्सर ट्रूप होगा। वो जो ट्रूप है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा गाइस एंड नॉर्मली तरीके से अटैक करने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी उसके अंदर नहीं है, वही डैमेज वगैरह ज़्यादा होगा इलेक्ट्रो टाइटन से थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी गाइस इसी तरीके के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड और भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, सारे इन्फॉर्मेशन गाइस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।